बांसगांव पुलिस ने वृद्ध के कथित अपहरण का फायदा उठाकर परिजनों से चिट्ठी के माध्यम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को सहगौरा बंधा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कमलेश यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी बेदौली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा राजमन पुत्र दुलारे यादव निवासी बेदौली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव का एक वृद्ध व्यक्ति गायब हो गया। वृद्ध के अपहरण का फायदा उठाते हुए अभियुक्तों ने चिट्ठी के माध्यम से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन अभी तक वृद्ध व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया है। फिरौती मांगने वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बांसगांव थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, कौड़ीराम चौकी प्रभारी इत्यानंद पांडे, कांस्टेबल अनिल यादव, देवेश वर्मा, वाल्मीकि प्रसाद गौड़ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, बांसगांव थाना क्षेत्र में 24 तारीख को एक व्यक्ति के जो बुजुर्ग हैं लगभग 75-80 साल के, गुमशुदा होने की खबर उनके परिजनों ने दी। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज की और पुलिस परिजन मिल करके उन्हें ढूंढ रहे थे। 24 और 25 की ढूंढ के खोज के बाद 26 तारीख की मॉर्निंग में पड़ोसी के दरवाजे पर एक लेटर मिलता है, जिसमें ये लिखा है, जो बुड्ढा हमारे पास सुरक्षित है, 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लीजिए, पुलिस को मत बताइए अन्यथा अंजाम बुरे होंगे। पुलिस के लिए और चुनौती का विषय हो गया। इस मामले में तत्काल परंपरागत मुखबिरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे, सबसे प्रयास शुरू हुआ। तो ये तथ्य आया कि गांव के ही 2 लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं। इनकी हरकतें कुछ ऐसी थीं जो लोगों ने नोटिस किया था, और इसी बीच जिन लोगों पे भी डाउट था, ऐसे 5-7 लोगों से वादी के परिवार में भी बात की गई थी, तो उन्होंने भी इन पे डाउट जताया था। तो 5-7 लोगों से राइटिंग लिखवाई गई। उस राइटिंग में एक व्यक्ति की राइटिंग प्रथम दृष्टया जो एक्सपर्ट भी नहीं है उनको भी लगा कि ये तो बिल्कुल मेल खा रही है। राइटिंग मिलान पे काम करने वाले 1-2 विशेषज्ञों से दिखवाया गया, तो उन्होंने भी बताया कि ये 80% मेल खा रही है। इस आधार पर जब राजमन नाम के उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू हुई, तो उसने घटना के बारे में गांव के ही एक फौजी जो छुट्टी पर आए थे, कमलेश, उनके बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ही मुझसे ये लिखवाया था। और कहां से कागज लिया गया, कहां लिखा गया, कहां फोटो स्टेट कराया गया, लिफाफा कहां बना, कैसे डाला गया, वो सारी चीजें उसने बताई। कमलेश पहले इनकार कर रहे थे, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज में ये चीजें आ गई, पेपर खरीदने जिस दुकान पे गए थे, फोटो स्टेट कराने जहां गए थे, तो उन्होंने भी स्वीकार किया, ये घटना उन्होंने कराई है, की है, ये लेख उन्होंने लिखवाया है उससे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इसमें लेटर फोटो स्टेट था, इसकी मूल कॉपी कहां है। कड़ाई से पूछताछ करने पे दोनों ने बताया, जिस बगीचे में इसको लिखा था उन्होंने, फोटो स्टेट कराने के बाद वहीं गए और वहीं फिर लिफाफा बनाया गोद से, कागज में लिफाफे पे लिखा गया और वही मूल फाड़ के फेंक दिया। पुलिस ने वो मूल कागज के टुकड़े भी बरामद कर लिए जो लिखे गए थे, और उनको पेस्ट करने के बाद तो फिर पूरी इमारत लगभग तैयार हो गई। लेकिन इन दोनों ने
अभी मुद्दा है कहां इस बारे में बहुत प्रयास के बाद भी कुछ मुंह नहीं खोला। और पहले तो इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि ये काम बादी पक्ष ने ही कराया है हमसे, लेकिन जब बादी को आमने सामने कर दिया गया तब मुकर गए और इन्होंने कहा कि चूंकि बुजुर्ग गायब थे और इस परिवार के लोग बैंकॉक में रहते हैं तो हमने सोचा कि गायब हैं, इसी बहाने हो सकता है कुछ पैसे आ जाएंगे, फिर बुजुर्ग कहीं कहीं से आ ही जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा जिन्होंने अपहरण किया था उन्होंने छोड़ा है या बुजुर्ग कहां से। बहरहाल चूंकि हमारे जो विधिक बाध्यताएं हैं उसमें इतनी पूछताछ रिकवरी सब करने के बाद इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वृद्ध की तलाश अभी भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि हम उस तलाश को भी पूरा करेंगे और इस मामले में जो और लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनका भी पर्दाफाश हो जाएगा। सर इसमें क्या ये एंगल है कि अपहरण हुआ है कि वो बुजुर्ग चले गए? देखिए बुजुर्ग 75-80 साल के बुजुर्ग के अपहरण का कोई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक वो हमें मिले नहीं। वो कुछ काम सोखा वाला भी करते थे बट लोग उनके घर पे ही ज्यादातर आते थे, लिमिटेड लोग थे जिनके यहाँ उनका आना जाना हो जाता था। इसी आधार पे जिस दिन रात में वो गायब हुए, क्योंकि उनका नाती 23/24 की रात में, नाती यानी पौत्र, नाती बल्कि पौत्र कहूं मैं, पौत्र 12:30 बजे रात तक मौजूद था और 3:30 बजे उनकी जब पत्नी गई है खेत पे जहां वो धान की पौध रखा रहे थे वो नहीं मिले, तो घर वाले भी 7-8-9 बजे तक इंतजार ही करते रहे कि कहीं गए होंगे आ जाए। उसके बाद जब नहीं आए तब इनमें हलचल मची है, अजय को खबर दी गई गोरखपुर से वो भी आया है, फिर वो पुलिस को सूचना दिया है, फिर पुलिस और परिवार के लोग मिलकर के तब से अनवरत प्रयासरत है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक वो मिल न जाए